नमस्कार। हमारे शो के आज कार्यक्रम का नाम है वाइड एंगल, और वाइड एंगल में हम कई विषयों पर चर्चा करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज रेलेवेंट, इम्पोर्टेंट एंड ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। वन, हाउ वी लीड अवर लाइफ इज इम्पोर्टेंट, बट वी आर नॉट एन आइसोलेटेड बींग। वी लिव इन अ सोसाइटी, वी लिव इन नेशन। सो लीडरशिप स्किल्स विच हेल्प्स in our collective growth plays an important role. When we look back towards 2023, we look towards not just those leaders who we would give credit for shaping this year, but we also look at how our society, especially Indian Americans, acted and created certain landmark events. We will talk about leadership skills with someone who ventured from corporate world to helping and serving in several social organizations, where we are with Pradeep Tandon ji. We'll learn. So Pradeep ji, pehle to aapka bahut bahut swagat hai. Namaskar, namaskar. To aapka computer se Hindi bhasha aur Hindi kavita mein vishesh jo आपका उत्साह बना, उसकी यात्रा कैसी हुई, थोड़ा वहां से शुरू करते हैं। एंड अलाउ मी टू मेंशन फॉर आवर व्यूअर्स दैट यू हैव बीन वन ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल हु सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड मेगा कवि सम्मेलन्स वेयर पीपल नॉट जस्ट पार्टिसिपेटेड एंड एंजॉयड। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट, तो उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले हिंदी कविता का महत्व आपको क्या लगता है? सबसे पहले व्यास जी, आपका धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने का। और जहां तक सवाल है कंप्यूटर साइंस से हिंदी और साहित्य के जगत में कैसे एंटर हुआ, उसमें काम करना शुरू किया, तो ये जो है हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारा एफिलिएशन और एफिनिटी है, वो जो है बहुत ज़रूरी है। और मेरा जो हिंदी से प्रेम है, हाँ, जो हिंदी से मेरा प्रेम है, वो ऐसे चालू हुआ कि रिटायर होने के बाद मुझे वॉलंटियर करने लगा मैं अखिल विश्व हिंदी समिति में। और जो कवि लोग इंडिया से आते थे उनको मैं न्यूयॉर्क दिखाता था, अटलांटिक सिटी, वॉशिंगटन डीसी वगैरह वगैरह। और 2016 में जो हमारे अभी अखिल विश्व हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी के मेहता, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है हमारी कार्यकारिणी में आ जाइए, और उन्होंने मुझे उसका एक कार्यकारी उपाध्यक्ष बना दिया, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। और फिर 2016 से फिर मैंने अपने उसमें काम करके कवि सम्मेलन चालू किए। तो प्रदीप जी, हमारे ज्यादातर दर्शक जो अगर उस कार्यक्रम में नहीं आए तो या कवि सम्मेलन में कम गए तो उनको पता नहीं, पर बहुत मेहनत लग जाती है क्योंकि कोई कॉमर्शियल कार्यक्रम नहीं होता है, तो इसके लिए आपको एक इनर मोटिवेशन भी चाहिए होता है और उसको सस्टेन करने की आवश्यकता भी होती है। जी, तो क्या चीज है जो आपको इस तरह से समर्पण, जिसमें आपका समय भी जाता है और एक प्रकार की सेवा है लेकिन सेवा के साथ साथ स्किल सेट भी है, उसके बीज रूप में होता है कि वो भावना कि मैं ऐसा करूं, तो जी, उसका क्या आप समझेंगे कि राज है? ऐसा है अशोक जी, इफ यू हैव डीप पैशन फॉर द कॉज और द मिशन, जैसे कि हमारे अखिल विश्व हिंदी समिति में है, हम चाहते हैं कि हम हिंदी का प्रचार प्रसार करें, और जब आप उसके अंदर लीन हो और उसके अंदर आपका जो है पैशन हो, तो नॉट दैट इज अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर। उसके अलावा जब आप को कम्युनिटी सपोर्ट करती है, दैट सपोर्ट इज ऑल्सो अ बिग मोटिवेशन। और साथ साथ में जब
आपको सफलता प्राप्त होने लगे उससे भी अच्छा लगता है कि आपने अच्छा कार्यक्रम किया, लोगों ने सराहा, दैट ऑल्सो मोटिवेट्स यू टू डू बेटर। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सबसे धीरे धीरे ये जो है कार्यक्रम बढ़ता रहा। जहाँ पर पहले कवि सम्मेलन में मंदिर में 40 लोग आते थे, वहाँ स्कूल के ऑडिटोरियम में 450 आते हैं। तो हम एक कवि को बुलाते थे, वहाँ आप 4 को बुलाते हैं जी। तो उसके लिए आपको बधाई देते हुए और हिंदी भाषा को साथ रखते हुए, भारत के प्रेम को साथ रखते हुए, भारत का जो नेतृत्व है अभी नरेंद्र मोदी जी की छवि विश्विक स्तर पर भी विशेष रूप से सराही जा रही है और कई आयामों में उन्होंने लोगों को प्रेरित किया है। भारत की इकोनॉमी देख लीजिए या स्पोर्ट्स में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। आपको क्या ऐसी खास बात लगती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप स्किल्स में जो आपको लगता है कि उनकी सफलता में विशेष रूप से सहायक है? यू सी, मोदी जी इज अ वेरी करिश्मेटिक लीडर। वो जो हैं, ही हैज सच अ डायनेमिक लीडरशिप स्टाइल एंड ही हैज एबिलिटी टू कनेक्ट विद मासेस एंड ही कन्वेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिसिसिव इमेज। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दे आर द बेस्ट। यू सी, ही इज अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर एंड ही हैज हेल्प, यू सी दैट कम्युनिकेशन स्किल्स has helped him to convey his message to masses to and directly to people, and the economic reforms that he has done, they are also praiseworthy. You see, he started that GST, that goods and services tax, jahan par log tax nahi dete the wo sab log ab tax de rahe hain, that is direct revenue to the government. Ya jo unhone demonetization kiya, कंट्रावर्शियल रहा चाहे, लेकिन दैट ऑल्सो हेल्प्ड द इंडियन इकॉनमी। फिर जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, या जो वो स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, इसी तरह से उनकी लीडरशिप स्किल्स में आती है फॉरेन पॉलिसी, जो उन्होंने हर देश के लोगों के और नेताओं से जो उन्होंने रिलेशनशिप अपनी इस्टैब्लिश करी है, और उसके बाद जो उन्होंने, दैट ऑल्सो इज अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ हिज लीडरशिप, जो उन्होंने सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स करे हैं, हर तरह की जो उनकी योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत है या प्रधानमंत्री जन धन योजना है या उज्ज्वला योजना है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो उन्होंने करी, दे आर प्रेज़वर्थी। इसी तरह से जो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम किया है, वो भी सराहनीय है, और जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, दैट ऑल्सो इज समथिंग प्रेज़वर्थी। ही हैज नेविगेटेड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सच एन इजी थिंग दैट इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर नाउ। वंडरफुल। तो प्रदीप जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और मुझे भी इसमें वो भी याद आता है कि उन्होंने लाल किले से जो शौचालय के संबंध में बात कर दी, जो कि पहले कोई सोचता नहीं था, या फिर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा, उसमें बड़े बड़े लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, कई लोगों को हमने झाड़ू लगाते हुए देख लिया उन दिनों में जी। इस सब के साथ एक बात ये आती है प्रदीप जी की विजन होना चाहिए लीडर में, यानी हम जब लीडरशिप स्किल्स की बात कर रहे हैं तो वो जो विजन होता है उसको लेके लोग भी प्रभावित होते हैं और जो आउटपुट होता है, जैसे आपने किसी को चुप कराया है। हाँ, मुझे बताया जा रहा था कुछ, तो मैंने कहा कि भाई मुझे अभी इंटरव्यू पर हूँ जी। तो ये जो कम्युनिकेट करना है, कभी इशारे से करना होता है, कभी बोलकर करना होता है, प्रधानमंत्री के रूप में उनको कभी प्रेस से करना होता है, कभी कुछ बातों को छुपाना होता है, तो ये जो विजन की बात है वो कैसे एक लीडर में आती है? उसकी ग्रूमिंग के साथ उसका संबंध है, या आपको लगता है कि लीडर्स आर बॉर्न, जन्मजात हैं? ऐसा है, द लीडर्स नीड अ क्लियर एंड कंपेलिंग विजन फॉर द फ्यूचर।
You see, if you have clear vision, that can provide direction and purpose. And if it can motivate others, that is what is needed. And that comes from practice, and people have to learn it. And everybody can think, but in order to implement it, motivate others, that is what leadership needs. So thinking ke saath saath jo resolve hai usko execute karne wali tenacity of purpose bhi ek leader ke liye aavashyak hoti hai. Ji, politics ke arena se aapke personal experience ki taraf bhi thoda aate hain, to dekhiye koi bhi kshetra hai, chahe wo hospitality industry ho ya fir financial sector ho ya fir not for profit sectors ho, जो कि बहुत सारे हैं अब तो, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी काफी आती रहती है, तो आपको क्या लगता है दोनों एरियाज में, एक तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होगा तो भाई प्रॉफिट मोटिव प्रोबेबली इज द प्राइम गवर्निंग फैक्टर, ऐसा हमारा परसेप्शन रहता है. आपको क्या लगता है दोनों, अभी आप और मैं जब बैठे हैं तो हमारा ये भी सौभाग्य है कि हम देख रहे हैं बहुत सारे जो बड़े बड़े नामी कॉर्पोरेट हैं या टेक इंडस्ट्री में हैं, सबके सीईओज इंडियन ओरिजिन के हैं. इसका मतलब है कि भारत की माटी में कुछ ऐसा है जो लीडरशिप स्किल का कुछ अंश तो लाती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही हो. सो व्हाट इज योर टेक, इसको दोनों तरफ से जोड़ लीजिए, इंडिया की कल्चर ऐसी क्या बातें हमें संस्कार के रूप में देती है विच हेल्प्स इन बिकमिंग गुड लीडर. सेकेंडली, हाउ डू यू डिफरेंशिएट द रिक्वायरमेंट as far as leadership skill is concerned in the corporate world and the social or not for profit space. जी जी जी. तो जहां तक business organizations का संबंध है, you see, they are primarily driven by goal of making profit. They want to make sure that the shareholders are happy, and they want to make sure that their financial sustain, they are financially sustainable. Social organizations jo hai, jo not for profit hai, they are driven by mission to serve the social cause, and their commitment is directed towards achieving that mission than rather than generating profits. Any surplus funds are typically reinvested into the organization for their future projects. अब जहां तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का संबंध है, दे हैव शेयर होल्डर इन फोकस. सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैगा कि दे फोकस फॉर द कम्युनिटी, व्हाट इज गुड फॉर द कम्युनिटी, एंड दे वांट टू मेक श्योर दैट दे आर कमिटेड टू द वेल बीइंग्स ऑफ द कम्युनिटी दे सर्व. जहां तक उनका सक्सेस का है प्रश्न, business organizations, they are, their success is measured in terms of profitability. Social organizations jo hain, they are not financially oriented. Their measurement is based upon the social impact they make, or their programs, the effectiveness of their programs achieving their mission. Those are the key things that social organization needs. Phir jahan tak aata hai sawal risk taking ka, business organizations ke andar they can take risk, calculated risk, to make sure that they make money. Here we have that limitation that our solutions have to be innovative, and commitment to meet that risk that has to align with the mission and the goals of the organization. तो प्रदीप जी, फिर से आपके जो कंप्यूटर साइंस वाला अनुभव रहा था, उसमें भी क्या होता है कि आपको लोगों को साथ लेके चलना होता है. There are certain projects में बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हो, तो उसमें एक तो आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरे कई चैलेंजेस जिनका संबंध इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से संबंध रखता है,
ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो, ईगो क्लैशेस नहीं हो? कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है आपने विशेष रूप से सीखी अपनी कॉरपोरेट दुनिया में, विशेष करके जब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ काम करने वाले रेजोनेट करें, दे फील इंस्पायर्ड एंड चार्ज्ड कि उनको अचीव करना है? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज देयर टू मेक मनी इन सम वे, दैट इज देयर स्टिल, जो उनका बेस्ट आउटपुट है वो तब आएगा जब दे आर इंस्पायर्ड. सो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट डू यू थिंक आर द की क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन एनी लीडर ऑन दैट फ्रंट? ऐसा है कि लीडरशिप एंड द इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल टू डू दिस दे शुड, यू सी, अ लीडर शुड बी एबल टू इनफ्यूज एंड एंगेज एंड इन्वॉल्व पीपल टू द कॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू द कॉजेज ऑफ देयर मिशन. तो जैसे अखिल विश्व हिंदी समिति है, हम चाहते हैं कि लोग हिंदी में बात करें, हिंदी में जुड़ें हमारे कवि सम्मेलन में, या जो हम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करते हैं फॉर द प्रचार और प्रसार के लिए हिंदी के लिए. तो उस सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि लोग हमारे साथ जुड़ें, और वंस दे रियलाइज दैट यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ गुड फॉर द कॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट हेल्प्स. अब जैसे हम अखिल विश्व हिंदी समिति के अलावा मैं उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क भी चलाता हूँ, वहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा एम और मिशन है और जो गोल्स हैं कि हम आर्ट और कल्चर्स एंड स्पेसिफिकली दैट कम फ्रॉम यूपी उनको प्रमोट करें. तो उसके लिए जैसे यूपी से कथक का डांस आता है तो उसके ऊपर प्रोग्राम कीजिए. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं करने से जो है आगे चीजें बढ़ती. तो ये सवाल अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डालें तो मेरे ख्याल से लोग जो आते हैं वो अपनी अंतः प्रेरणा से आते हैं, तो ही वो थोड़ा निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हों या जो भी कॉज है उसके साथ उनका अलाइनमेंट होता है तो वो सक्रिय रहते हैं. बट मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है और आप भी बताएं कि चाहे हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसा लगता है कि जो इंडियन अमेरिकन्स सर्टेन डेकेड्स के पहले आए हैं वो जितना ज़्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व होते हैं, यूथ जो है या जो बच्चे यहाँ पर जिनका जन्म हुआ है दे टेक लेस इंटरेस्ट और उनकी संख्या भी कम देखी जाती है. डू यू एग्री? और दूसरा, इसको एड्रेस करने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसा है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हमारी यंगर जनरेशन है दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड एज मच एज वी आर द फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन इंडियंस. और ये इसका दायित्व जो है ये हमारा है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को किस तरह से अपने कल्चर के लिए, अपनी भाषा के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए इकट्ठा इन्हें जोड़ के रखें. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें इन्वॉल्व करें और उनकी जो हम उनकी नीड्स को समझें कि उनकी क्या नीड्स हैं. जो यंगर जनरेशन है उनकी अलग समस्याएं हैं, उनके अलग मुद्दे हैं, और अगर हम उनके इंटरेस्ट को ले करके बात करें कि जो चीज़ें उन्हें इंटरेस्ट करती हैं, एंड देन वी कैन ट्राई टू इन्वॉल्व देम. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको करें. जी, जो आपने बात कही है ना उसमें उत्तर भी है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि जो चीज़ें उनको इंटरेस्ट करती हैं उसको हम ध्यान दे के करें. उनको तो क्या भाई, हमारा तो इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे हिंदी लिखना भी नहीं सीख पाए हैं यहाँ पर जो बड़े हुए हैं कई. सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पास कोई फुल प्रूफ आंसर हो, बट आई थिंक इट इज़ अ चैलेंज दैट वी कलेक्टिवली नीड टू एड्रेस अगेन एंड अगेन. लेकिन मैं अभी फिर 2023 की तरफ अगर जाऊं तो आपको क्या लगता है मेजर इवेंट जो इस बरस हुआ जिसने आपका ध्यान विशेष रूप से खींचा और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट बात रही थी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अगर चलते हैं तो,
ऐसी कोई दो तीन बातें जो आपको याद आती हैं? ऐसा है कि जो मैंने चीजें करी इस साल, तो इस साल मैंने दो कवि सम्मेलन करे बड़े तौर पर, और उन दोनों कवि सम्मेलनों में 450-450 से ज्यादा लोग आए और उन्होंने उसे सराहा, और उसके अंदर मैंने देखा कि यंगर जनरेशन भी आई, और कुछ पेरेंट्स ने मुझे खास तौर से ये रिक्वेस्ट किया कि आप, जैसे हम लिमिट कर देते हैं कि एक फैमिली में हम दो टिकट देंगे क्योंकि हम सबको बुलाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं और समझते हैं और हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। तो ऐसी हर फैमिली में मैंने ये कहा कि आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप अपने बच्चों को लाइए और उनको एनकरेज कीजिए कि वो जो हैं इससे जुड़ें। तो ये चीजें, हमें इस तरह की चीजें करने की जरूरत है और हमें जोड़ना है हमें बच्चों को अपने। तो ये आपकी जो बात है उसमें आनंद की बात है, आप उत्साह से और उसमें जुड़े रहे और सफल आयोजन रहे, पर अगर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं पिछले बरस में, तो कौन सी एक बात जो आपको याद आती है जो विशेष प्रभावी रही आपकी दृष्टि में, भारत अमेरिका कोई भी संदर्भ से? ये तो मैंने अब देखा है, जैसे हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए दो भारतीय मूल के लोग आए हुए हैं, और ये जो है हमारे जो अभी की जनरेशन है, दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन टू मेन स्ट्रीम, अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, अटर्नी भी बनेंगे, यही नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर बने, तो ये जो है ये अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे आएगा कि विवेक रामास्वामी या हेली जैसे लोग जो हैं वो आएंगे मेन स्ट्रीम अमेरिका में, और मुझे लगता है कि कुछ आज नहीं 10 साल के अंदर भारतीय मूल का कोई आदमी या स्त्री प्रेसिडेंट बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स का। बहुत सही आपने कहा, और एलए के मुकाबले जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसमें भारतीय मूल के लोग काउंसिल मेंबर के रूप में भी सक्रिय हो रहे हैं, सेनेटर के रूप में भी कोई कोई खड़े होते हैं, तो ये, और जो एजुकेशन बोर्ड रहते हैं वहाँ भी काफी एक्टिव रहते हैं। तो दो क्वेश्चंस और आपके लिए जी। एक, अगर आप अपना कोई रोल मॉडल देखें या ऐसा व्यक्तित्व जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, पूरे जीवन को देख लें या लगे कि 2023 में जिनका कंट्रीब्यूशन ऐसा था जो आपको बड़ा प्रेरित करने वाला रहा। इसमें बिल्कुल जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि पीपल, इफ आई कैन फॉलो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट ही हैज फॉर एवरीथिंग दैट ही डज, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू डू एंड अचीव। वंडरफुल, और आपके लिए आने वाला बरस बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव उद्घाटित करने वाला हो, ऐसी कामना के साथ प्रश्न ये आ जाता है कि आपने क्या कुछ विशेष करने का सोचा है 2024 में न्यू ईयर रिजोल्यूशन के रूप में? जी, ऐसा है कि रेजोल्यूशंस जो बनाए जो लोग, तो पीपल शुड हैव गोल्स दैट दे कैन अचीव एंड दे शुड ट्राई टू मेक, एक बहुत बड़ा गोल है उसके अंदर कुछ सब गोल्स बना लें जिससे कि यदि सारे ना भी हो पाए उसमें से कुछ हो पाए। और अब की आपको शायद पता है या नहीं कि मैं एक एसोसिएशन है यहाँ, इंडिया एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड, उसके अंदर काफ़ी सक्रिय हूँ, और उसके अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए भी अच्छे विजन और गोल्स हैं, ये आगे देखा जाएगा कि उसमें क्या कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर भी मैं काफी काम करना चाहता हूँ। अखिल हिंदू सेंटर और तमाम जो चीजें हैं उनके अलावा जी। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और ये प्रसन्नता की बात है कि
जो मुख्य कार्य वाली इनिंग के बाद आपकी जो सेवा वाली इनिंग है वो भी बहुत योगदान दे रही है समाज के लिए, उसके लिए भी आपको बधाइयां। और हमारे सभी दर्शकों के लिए भी 2024 कुछ नई उपलब्धियां लेकर आएगा ऐसा विश्वास और कामना के साथ साथ प्रदीप जी ये भी याद कर रहे हो कि हमने जो लीडरशिप स्किल्स की चर्चा की है जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नए एनर्जी के सोर्स हमारे सामने आएंगे क्योंकि बहुत सारे देशों में चुनाव होने वाले हैं इस बरस, जिसमें भारत, अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, पता नहीं और भी कुछ देशों में, तो 2024 कुछ विशेष करवटें बदलने वाला होगा जी सबके लिए, तो कल्याणकारी हो। फिर एक बार आपका आभार और हमारे सभी दर्शकों का इस बातचीत में साथ देने के लिए धन्यवाद जी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि द सोसाइटी हैज गिवन मी सो मच एंड आई थिंक इट इज टाइम फॉर मी टू गिव बैक, एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग टू गिव बैक टू कम्युनिटी एंड टू गिव बैक टू सोसाइटी दैट आई लिव इन। वंडरफुल, तो इसी तरह से जीवन यज्ञ बनता है और ये बहुत ही प्रेरित करने वाली बात भी है। सो धन्यवाद।